रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार खाने। आज अब देखें, बकरीद का सीज़न शुरू हो चुका है, ज़ाहिर आने वाली है कुछ अरसे में, तो इस सिलसिले में आपको न्यू गोश्त की डिशेस हम बता रहे हैं, ताकि आप उसको बीफ और मटन में भी ट्राई कर सकते हैं और सेम रेसिपी को चिकन में भी अप्लाई कर सकते हैं। आज मैंने खट्टे गोश्त का इंतखाब किया है, यानी खट्टा चिकन बनाया मैंने। इसको आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सकें। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपनी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। खट्टा चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने पतीली में डालना है ऑयल, ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज की प्याज, बारीक हमने स्लाइस कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी प्याज मीडियम ब्राउन हो जाती है, जब तक हम ये टमाटर है 1/2 किलो, इसको हम थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। प्याज हमारी मीडियम ब्राउन हो गई है और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। और साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी इसमें हमने कोई मसाले ऐड नहीं किए, इसको हम खाली चिकन और ये अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे चिकन को। हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गई है तो अब हम डालेंगे ये स्पाइसेस। ये है कुटी लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, ये है 2 टेबल 2 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, और हल्दी जो है 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 1/2 किलो टमाटर है, अगर चिकन आपकी 750 ग्राम्स टू 1 kg है तो आप जो है वो 1/2 किलो चिकन का पेस्ट ले सकते हैं। इसको मैंने पानी के साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और इसको कुक करने के लिए थोड़ा टाइम देंगे, और इतनी देर में हम करते हैं अपना एक और काम। अब हम करेंगे काम, ये हमने लिए हैं, ये दाना मेथी है, ये 1 टेबल स्पून लेनी है, कलौंजी 1 टेबल स्पून और जीरा 2 टेबल स्पून। इसको हमने एक बॉल में डालना है। एक बॉल में डालने के बाद इसके अंदर हमने डालना है नींबू का रस। अगर नींबू का रस आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप विनेगर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नींबू का रस हो तो वो बेस्ट है। इसको इतना लेना है कि ये डिप हो जाए इसके अंदर स्पाइसेस। ये हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, बड़ी साइज की मोटी वाली हरी मिर्चें, और अब इसके अंदर हम ये मसाला भरेंगे। साथ में हम देखें, हमारा जो चिकन है वो अभी पानी ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने कैप इसका हटा दिया ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए, और हम इतने ये हरी मिर्चें भरते हैं। ये हमने अपनी हरी मिर्चें जो हैं वो बीच में से स्प्लिट करके भर ली हैं, और अब हम इसको रखते हैं साइड में, और जो मसाला हमारा बच गया है ये हम डाल देंगे सालन के अंदर। अभी कुक हो रहा है, हाफ रिड्यूस हुआ है पानी इसका, ये देखें ये इसके अंदर हम डाल देंगे। हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है, अब इस स्टेज पे हमने हरी मिर्ची ऐड करनी है। और साथ में हमने डालना है 2 अदद नींबू का रस।
और इसको कैप करके हम 2 से 4 मिनट दम पे रखेंगे, डिश आउट करेंगे। अब हमने चूल्हा कर दिया ऑफ और अब हम खोलेंगे इसको। बहुत ही खुश रंग और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। लीजिए जनाब, हमारे मजेदार से खट्टा गोश्त, खट्टा चिकन तैयार है। इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा और इसके अलावा आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।